क्या दिन थे वो। अकेला में शमशान का राजा था, दूर दूर के गांव में मेरा बोलबाला था, मेरा राज चलता था। अरे मुर्दे तक मुझे पसंद करते थे, मगर अब सब छिन गया। वो आ गया बड़ा चांडाल, कहता है ये मेरा घर है। अरे भाई ठीक है तेरा घर है, मगर मेरी कमाई तो गई ना। बख्शीश मिलती थी, फूल मिलते थे, अब बीड़ी तक नहीं मिलती। ये लो बीड़ी। तुमको कैसे मालूम पड़ा कि मुझे बीड़ी की जरूरत है भाई? मैं नीचे से देख रहा था। नीचे से? नीचे से कहाँ से? तुम बीड़ी पियो। जलाऊं कैसे? माचिस भी तो चाहिए ना भाई। ये लो माचिस। आए कमाल है, इधर जबान से निकला उधर हाजिर हो गया। भाई वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं शमशान का चांडाल राजा हूँ। मेरी मर्जी के बगैर मुर्दे करवट तक नहीं ले सकते। मुर्दों को छोड़ो, जो भूत बनकर सामने आते हैं उनसे डर नहीं लगता? अरे मुझ जैसे बहादुर इंसान के सामने कौन आ सकता है? और एक पते की बात बताऊं, दिन में तो भूत आते नहीं, रात को आते हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो चादर ओढ़ के सो जाता हूँ, भूत बोर होकर भाग जाते हैं। किसने कहा कि दिन में भूत नहीं आते? अरे चांडाल यहाँ का मैं हूँ कि तू है? तुम हो, मगर हमारे पैर तो देखो। अबे तेरे पैर में क्या है? हम लोग दिन में मरे थे, इसलिए हम दिन के भूत हैं। अरे रे रे, ये क्या कर रहे हैं आप? ये छोटा मोटा काम मैं करूंगा, मैं कब्रें खोदता जाऊंगा, आप मुर्दे लाकर डालते जाना। छोड़ दीजिए, मेरे पेट का आसरा भी हो जाएगा, आपका बदला भी पूरा होता जाएगा। छोड़ दीजिए ना। हाँ मैं करूंगा। आए अरे कैसे इंसान हो तुम लोग? क्यों, क्या हुआ? अरे कोई तो पाप करने की जगह छोड़ो, शमशान में पत्ते खेलते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तो क्या करें, कई सालों से अंदर पड़े पड़े परेशान हो गए थे, बाहर आने को मिला, पत्ते खेल खेल कर वक्त पास कर रहे हैं। अंदर पड़े पड़े परेशान हो गए? अंदर बोले तो किधर? ओ जेल के अंदर। अच्छा जेल काट कर आए हो, फिर दोबारा जेल में जाने का इरादा है क्या? क्यों? अरे इस तरह खुलेआम जुआ खेलोगे, झगड़ा करोगे, एक दूसरे का सर फोड़ोगे तो दोबारा जेल नहीं जाओगे क्या? हम इंसानों की तरह नहीं लड़ते। आए तुम इंसान नहीं हो तो फिर कौन हो? ओ जुआरी, गैम्बलर, गैम्बलर। अच्छा मैं भी खेलूं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, मुर्दों से बोर हो गया हूँ यार। खेलो, मगर हम रुपए दाव पर नहीं लगाते। रुपए दाव पर नहीं लगाते तो फिर क्या लगाते हो? कपड़े। जो हार जाएगा वो जीतने वाले को अपना कपड़ा निकाल कर देगा। अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार खेल है, जो लगातार हारता जाएगा वो नंगा अपने घर जाएगा। तुम अपनी सोचो, हम तो अंदर चले जाएंगे। आए फिर अंदर? ये बार बार तुम अंदर क्या बोलता है, मतलब क्या? कुछ नहीं, पत्ते खोलो। हाँ तो खोलो, ये लो। मैं जीत गया, चलो अपने कपड़े दो। ठीक है भाई, उतारता हूँ। ले मेरे कपड़े, अब की पत्ते मैं बांटूंगा। बेटा तूने मेरे कपड़े निकलवाए हैं ना, मैं तेरी शर्ट, तेरी पैंट, तेरी चड्डी भी निकलवाऊंगा। चड्डी तो पहनता है ना, उधार खाते से काम नहीं चलेगा। ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, खोलो। आ!
मैं जीत गया। चल अपनी शर्ट निकाल। मैं नहीं दूंगा। अबे कैसे नहीं देगा, तू हार गया है। मैंने अपने कपड़े उतारे थे कि नहीं, चल निकाल। रहने दो, मैंने शर्ट निकाला तेरा बहुत कुछ निकल जाएगा। अबे क्या निकल जाएगा, मेरी बहादुरी के किस्से दूर दूर गांव तक फैले हुए हैं। निकाल शर्ट। ठीक है, निकालता हूँ। एक दिन भूत भूतों के साथ ताश खेल रहा था। डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, इतनी खूबसूरत लड़की शमशान में, कौन हो तुम? कंचन। अरे कंचन, तुमको यहाँ डर नहीं लगता? डर? डर क्यों? अरे ये शमशान है, मुर्दों और भूतों की जगह। ना तो मैं भूतों से डरती हूँ और ना ही दुनिया वालों से। जब प्यार किया तो डरना क्या? प्यार? किससे प्यार करती हो? तुमसे और किससे? मुझसे? मगर मैंने तो तुम्हें आज तक देखा भी नहीं। मैंने तो देखा है अंदर से। आए अंदर से? हाँ, मेरा बाप बहुत जालिम है, मुझे कमरे के अंदर ही बंद करके रखता है। और मैं खिड़की से हर रोज तुम्हें देखा करती थी और तुमसे प्यार करने लगी। अच्छा तो इतनी दूर क्यों बैठी हो, नजदीक आओ ना। पास? अभी नहीं, पहले तुम कुछ खा लो, मैं अपने हाथों से बना कर लाई हूँ तुम्हारे लिए। पहले कुछ खा लो। अरे वाह 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 वाह, आप वाह बहुत अच्छे, कमाल है डार्लिंग। देखता हूँ कौन सा भूत मेरे पास फटकता है। ओझा से सब सीख कर आया हूँ, एक बार ओम बोलूंगा भूत डर के मारे सारे के सारे भाग जाएंगे। ओम रीम फट, ओम रीम फट, ओम रीम फट। क्या करता है इधर? भूतों को भगाने की पूजा कर रहा हूँ। मगर तुम लोग पुलिस स्टेशन की बजाय यहाँ क्या करने आए हो भाई? ए, भाई नहीं बोलेगा क्या? अपन तेरे को भाई लगता है? अरे नहीं नहीं, वो भाई नहीं, एक ही माँ के दो बेटे होते हैं ना, वो भाई। वो भी नहीं बोलेगा, समझा क्या? ठीक है, समझ गया। समझ गया तो हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। थाने चलना पड़ेगा क्यों? क्योंकि तेरा कंप्लेंट आया है। मेरा कंप्लेंट? कैसा कंप्लेंट? तुम सोते लोगों को बहुत डिस्टर्ब करता है। अरे कहाँ भाई, मैं तो ऐसे बोला था ना, भाई नहीं बोला। अच्छा नहीं बोलता यार, मगर मैंने किसी सोए हुए को डिस्टर्ब नहीं किया। झूठ नहीं बोलेगा, जास्ती शानपति नहीं करने का। अब पुन को कंप्लेंट आया, अब बोल क्या करूँ? कुछ खर्चा पानी देता है या अंदर करो? खर्चा पानी यानी खुलेआम रिश्वत? शरण नहीं आती तुम लोगों को रिश्वत मांगते हुए, पुलिस को बदनाम करते हो। मैं तुम दोनों की वर्दी उतरवा दूंगा। तू क्या उतरवाएगा, हम खुद उतार देते हैं। अबे नंगो नंगो शर्म।